ऑनसेट 3D टैबलेट, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑनसेट 3D टैबलेट में। आने वाले 2-2.5 मिनट में आपको इस दवा के बारे में वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑनसेट 3D टैबलेट के यूज से। आखिर ऑनसेट 3D टैबलेट इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका यूज क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते क्यों है। आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये एक प्रकार की ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल ऐसे पेशेंट में करते हैं जिनको कोई एलर्जी हो और उसके वजह से उन्हें सांस फूल रहा हो। ऐसे पेशेंट जिनको सांस फूलता है और उनको एलर्जी भी साथ ही साथ, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। अब अगर बात करूं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि किस तरीके से काम करती है, आपने दवा खाई आपके शरीर में जाने वाली कैसे काम करेगी, तो बेसिकली इसमें 3 दवाइयां होती है। पहला होता है मोंटिलुकास, दूसरा होता है फेक्सोफेनाडीन और तीसरा होता है एसिब्रोफाइलिन। जो मोंटिलुकास होता है ये प्रकार का ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ये क्या करता है, जो पेशेंट का सांस फूल होता है उसको ठीक करता है। इसके अलावा जो फेक्सोफेनाडीन होता है ये प्रकार की एंटी एलर्जी दवा होती है, जो कोई एलर्जी सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करता है। और जो एसिब्रोफाइलिन होता है ये ब्रांको डायलेटर होता है, मतलब जो हमारी ब्रोंकाइटिस सिकुड़ गई होती है, पेशेंट का सांस फूल होता है, जकड़न सा फील होता है, चेस्ट में टाइटनेस सा फील होता है, उसको ठीक करता है। तो इस तरीके से दवा कुल मिला करके काम करती है। अब अगर बात करूं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो ये है कि इसको खाने के बाद बहुत सारे पेशेंट को ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी कि उनका बार बार मुंह सूखना, बार बार पानी पीने की कोशिश करना, इसके अलावा कभी कभी नाजिया, वोमिटिंग, हल्का फुल्का हो जाना, इनसोमनिया, नींद आने में समस्या होना, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अगर अंत में बात करूँ इसके MRP के बारे में, तो ये आपको मार्केट में 287 रुपये की एक स्ट्रिप, यानी कि 28 रुपये की एक टैबलेट कॉस्ट करती है। तो ये तो था ऑनसेट 3D टैबलेट के बारे में सब कुछ जो आपको बताना जरूरी था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एकदम शॉर्ट, फटाफट, सिंपल, क्लियर और टू द पॉइंट रही हो। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतने ध्यान से बने रहिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।